हमने सीखा एक बहुपद ax का वर्ग धन bx धन c घात 2 का एक चर का बहुपद है जहां a, b, c वास्तविक संख्याएं और a शून्य नहीं है। इसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। इस द्विघाती बहुपद को शून्य के बराबर रखने पर यह समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c बराबर शून्य बन जाता है। चूंकि समीकरण में एक ही चर है और चर की अधिकतम घात 2 है, अतः इसे एक चर का द्विघात समीकरण कहते हैं। 2. द्विघात समीकरण को वर्ग समीकरण भी कहते हैं। 3. चर x में किसी द्विघात समीकरण का मानक रूप ax का वर्ग धन bx धन c बराबर शून्य है, जहां a, b, c वास्तविक संख्याएं तथा a का मान शून्य नहीं है। 4. ax का वर्ग धन bx धन c बराबर शून्य के रूप के द्विघात समीकरण के दो ही मूल होते हैं। 5. एक चर x में द्विघात समीकरण के मूल गुणनखंडन से तथा द्विघात समीकरण के सूत्र x बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल में b का वर्ग ऋण 4ac पूरे के बटे 2a में a, b, c के मान रखकर भी x के मान प्राप्त किए जा सकते हैं। 6. किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा व बीटा हो, तब वह द्विघात समीकरण चर x में x का वर्ग ऋण कोष्टक में अल्फा धन बीटा गुणित x धन अल्फा गुणित बीटा बराबर शून्य होता है। यहां कोई भी चर y, z आदि ले सकते हैं। 7. यदि वर्ग समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c बराबर शून्य के मूल अल्फा व बीटा हो, तो उनके मूलों एवं गुणांकों में निम्नलिखित संबंध होता है। मूलों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a तथा मूलों का गुणनफल अल्फा गुणित बीटा बराबर c बटे a होता है। 8. द्विघात समीकरण के सूत्र में कैपिटल D बराबर b का वर्ग ऋण 4ac विभेदक है, जिससे हम मूलों की प्रकृति के बारे में जान पाते हैं। 9. जब कैपिटल D बराबर b का वर्ग ऋण 4ac शून्य से बड़ा हो, अर्थात कैपिटल D का मान धनात्मक हो, तो वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक व असमान होते हैं। 10. जब कैपिटल D बराबर b वर्ग ऋण 4ac बराबर शून्य, अर्थात कैपिटल D का मान शून्य हो, तो वर्ग समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और समान होते हैं। 11. जब कैपिटल D बराबर b का वर्ग ऋण 4ac शून्य से छोटा हो, अर्थात कैपिटल D का मान ऋणात्मक हो, तो वर्ग समीकरण के दोनों मूल काल्पनिक और असमान होते हैं।